गाइस, ये सब्जी मैंने जितने लोगों को खिलाई है ना, सभी लोगों ने मुझसे रेसिपी मांगी थी, तो ये रही और आप भी जरूर से ट्राई करना। मैंने लिए 3 बड़े बैंगन और 1 बड़ा आलू, जिसको छील के मैंने पानी डाल दिया और ऊपर से डाली है बेल, थोड़ा सा नमक और धीमी आंच पे कुकर की 1 सीटी बजाएगी। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेकर के उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड और फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और ये सारे हमारे खड़े मसाले। ये है क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, लहसुन ऑप्शनल है, इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हींग, यहाँ मैंने मूंगफली को अच्छे से सेक के क्रश करके इसमें मिक्स किया है। ये है क्रश्ड कोकोनट पाउडर, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर ले। सेम साइज के कट किए हुए टोमेटोज इसमें ऐड कर लेंगे और मेरी मॉम कहती है आप खुश होकर खाना बनाओ तो खाना स्वादी बनता है। मैंने थोड़ा डाल दिया है नमक और थोड़ा गुड़, इसको कर लेना अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। नींबू का रस ये भी टोटली ऑप्शनल है। बे लीव्स को हटा के आलू बैंगन को इसमें कर देंगे मिक्स। 5-7 मिनट अच्छे से पकने के बाद हम ऐड ऑन कर लेंगे धनिया और ये है हमारी सब्जी रेडी। और ये टेस्ट में बहुत स्वाद थी, इसको बैंगन नहीं पसंद उसे भी ये पसंद आएगी। राइस के साथ भी खा सकते हैं, जरूर से ट्राई करना, कमेंट में बताना कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।